पहले चरण का मतदान आज हो रहा है पूरे देश में। यार एक मिनट बताओ, यहाँ पोलिंग बूथ है, यहाँ कर सकते हैं पीछे? तो पहले चरण का मतदान आज पूरे देश में हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़ चढ़कर लोग मतदान में हिस्सा लेंगे और खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन लोगों को इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। ये एक जिम्मेदार नागरिक का हक बनता है, उनका अधिकार भी है। और मुझे लगता है कि लोग अपनी पसंद से अच्छे व्यक्ति को, अच्छी पार्टी को, अच्छी विचारधारा के साथियों को चुनकर संसद में भेजेंगे। क्या उम्मीद है कांग्रेस की सर 12 सीटों की? मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि इस बार चुनाव बहुत बेहतर हमारी पार्टी लड़ रही है। हमारे कैंडिडेट्स, हमारा मैनिफेस्टो, हमारा एजेंडा, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा नैरेटिव जो है उसको लोग पसंद कर रहे हैं और बदलाव का चुनाव मैं मानता हूँ ये चुनाव है। और हम लोग भाजपा से ज़्यादा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी इस बार, पूरी ताकत से हम सब लोग लगे हुए हैं और अभी लंबा चुनाव चलेगा, लेकिन जो रुझान मुझे मिल रहे हैं, मैं देश के कई राज्यों में प्रचार कर आया हूँ और अधिकांश जगहों पर लोग इस बात से ऊब चुके हैं कि वही सरकार 10 साल से है, लगातार भाषण, आश्वासन, प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन 10 साल की जो भाजपा की सरकार की रिपोर्ट कार्ड है उसका लोग बहुत गंभीरता से मूल्यांकन करेंगे और मुद्दों के हिसाब से अपने वोट देने का मन वो बनाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि हमारी पार्टी को और हमारे गठबंधन को बहुमत मिलेगा क्योंकि जनता बदलाव चाहती है और जो एजेंडा हमने बनाया है किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, आर्थिक जो बहुत खाई बन गई है अमीर गरीब की, उसको ख़त्म करने के लिए। और हमारी पार्टी पहली पार्टी थी जिसने MSP पे एक कानून बनाने का वादा जनता से किया है। तो इन सब बातों को देखकर मैं आश्वस्त हूँ कि हम लोगों का परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर रहेगा। और 2004 में जब चुनाव हुए थे तो भाजपा इंडिया शाइनिंग का नारा देकर मैदान में उतरी थी, उस समय सरकार कांग्रेस की बनी थी, ठीक वही माहौल आज मुझे दिख रहा है। और 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का वो हम लोगों को मिलेगा। ये मेरी जानकारी में नहीं है, अगर ऐसा कोई भी चर्चा है उस पर निर्वाचन आयोग इसका संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा। सर 400 पार के नारे दिए जा रहे हैं, ये नारे और जो दावे किए जाते हैं भाजपा के माध्यम से इनमें कोई दम नहीं है, क्योंकि इतने अगर कॉन्फिडेंट बीजेपी होती तो वो विपक्ष की पार्टी के नेताओं को तोड़ तोड़ के अपने से नहीं जोड़ती। और जनता भी समझ गई है कि बार बार वही नारे, वही जुमले, वही आश्वासन, वही वादे। बात हो रही 2047 की, अमृतकाल की, लेकिन 10 साल में क्या किया क्या नहीं किया उसका लेखा जोखा देने को तैयार नहीं है। इसलिए जज्बाती मुद्दों पर चर्चा ले जाना उनकी एक रणनीति है और संवैधानिक संस्थाओं को जो कमज़ोर किया जा रहा है उससे भी लोग उसको लोग नापसंद कर रहे हैं। मुख्यमंत्रियों को आप डिटेन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज कर रहे हैं, इन सब बातों का भी एक नकारात्मक प्रभाव जनता पे पड़ता है। लेकिन जनता बहुत समझदार है, पब्लिक चाहे बोले कम लेकिन अपने मन से, विवेक से सही व्यक्ति सही पार्टी को वोट डालकर जिताएंगे। 2047 का नारा देने से प्रधानमंत्री विजन 2047 को लेकर, वही तो मैंने कहा ना, तो आप 10 साल से सरकार में हैं और मैंने कई जगह कहा कि 10 साल सरकार को हो गए, 5 साल और मांग रहे हैं। और जो नौजवान फौज में भर्ती होकर नौकरी करना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, उसको आप दे रहे हैं 4 साल। इसलिए हमने कहा अग्निवीर वाली जो योजना है उसको हम समाप्त करेंगे, नौजवानों को पूरा मौका मिलना चाहिए, अपनी फौज में जाएं, देश की सेवा करें। तो कहना कुछ और करना कुछ, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, किसान की आमदनी डबल करने की बात की थी, करप्शन को, महंगाई को ख़त्म करने की बात करते थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी अब तक। अब तो सिर्फ 2047 की बात हो रही है और 5 साल और मांगे जा रहे हैं और दावे बहुत बड़े किए जा रहे हैं, मुझे लगता है दावों में कोई दम नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं 150 सीट, पहले 180 का उनका प्रेडिक्शन था, तो बहुत संभव है, मुझे लगता है बहुत संभव है, क्योंकि जो माहौल दिख रहा है, जो गठबंधन हमारा स्ट्रांग है, बड़े बड़े राज्यों में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, खासकर महाराष्ट्र में, बिहार में, तो हम लोगों को बहुमत मिलेगा। मैं जम्मू कश्मीर होकर आया हूँ, मैं अब केरला जा रहा हूँ, तो देश के अलग अलग कोनों में आवाज़ उठ रही है बदलाव की। और मैं फिर कहता हूँ ये चुनाव बदलाव का चुनाव है और इसकी सुपघाट पूरे देश में मुझे देखने को मिली। आरक्षण का बड़ा मुद्दा बन रहा है सर, ST/ST रिजर्वेशन लेकर प्रधानमंत्री मन से सफाई दे रहे हैं, खत्म नहीं करेंगे। भाई अगर ऐसी कोई चर्चा भाजपा के नेता नहीं करते तो सफाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व खुद सफाई देने पर मजबूर हो रहा है तो कहीं ना कहीं बिना धुएं की आग तो होती नहीं ना, तो उनके नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड बातें बोली हैं, इसलिए उनको सफाई देनी पड़ रही है। जब राजीव गांधी जी के पास 400 सांसद थे,
उन्होंने कभी ऐसी सफाई दी, ना हमारे किसी नेता ने ऐसी बात बोली। तो कहीं ना कहीं इन बातों में कुछ तथ्य होगा, इसीलिए बार बार सफाई देनी पड़ रही बीजेपी। आप पूरे देश में जा रहे हैं, कोई अंडरकरंट दिख रहा है इसमें? मुझे तो ये कोई वेव नहीं दिख रही है इसमें, और बहुत कोशिश की गई इस चुनाव में जज्बाती मुद्दों को हवा देने की, लेकिन पब्लिक बहुत समझदार है, किसान आंदोलित है, नौजवान बदलाव चाहता है, शिक्षित बेरोजगारों का भविष्य अंधकार में है, महिलाएं भी आज त्रस्त हैं, सब लोग चाहते हैं कि बदलाव हो और ऐसे लोगों को मौका दें जो सचमुच में विकास की बात करते हों। जज्बाती मुद्दों पर राजनीति कब तक अपना काम चलाएंगे? लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे भी हावी हैं इस बार, सरकारी कर्मचारी ध्यान दें, चुनाव के बाद सबका हिसाब किताब होगा। जो भी कोई ऐसे नेता बात करते हैं वो सब रिकॉर्ड पे आता है, और मैं उम्मीद करता हूँ निर्वाचन आयोग कि वो निष्पक्ष कार्रवाई करे। सत्ता या सत्ता के प्रभाव में आकर कोई भी अधिकारी अगर काम करता है तो मैं समझता हूँ वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसकी निष्पक्षता पर बने रहना बहुत जरूरी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन हर ऐसी कोई घटना का पूरा ध्यान देकर कार्रवाई करेगा, ताकि जमहूरियत में, गणतंत्र में, लोकतंत्र में जनता का जो अटूट विश्वास है वो बरकरार रहे।